नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को अपने कम से कम 5 कॉन्टैक्ट्स को साझा करें, फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर, ताकि हम और आप मिलकर गोदी मीडिया के नफरती और झूठे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोर की। जी हां, आप और हम सब ने, देश ने रविवार को एक अद्भुत नजारा देखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर में जो मोर पल रहे हैं उन्हें खाना खिला रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। और जितनी मेहनत गई है इस वीडियो फिल्म में, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगा होगा, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत हुई होगी। और प्रधानमंत्री ने इस वीडियो के जरिए यह बतलाने का प्रयास किया कि वो प्रकृति के कितने करीब हैं, उन्हें मोर से कितनी मोहब्बत है। मगर न्यूज चक्र के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि हम प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं करते, सरकारी प्रोपेगेंडा में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हमारा ये मानना है कि सरकार हमारी सर्विस प्रोवाइडर है, सरकार को हमारे सवालों का जवाब देना होगा और न्यूज चक्र का फलसफा भी वही है। मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। एक ऐसे वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर के साथ थे, आपके सामने दोस्तों ये सैटेलाइट का मैप है। आप जानते हैं सैटेलाइट का मैप कहां का है? ये लिपुलेख इलाके का है। लिपुलेख कौन सा इलाका है? भारत, चीन और नेपाल की सीमाएं जहां पर मिलती हैं वो जगह है लिपुलेख। और आप जानते हैं वहां पर क्या हो रहा है? इस सैटेलाइट के मुताबिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्फेस टू एयर मिसाइल साइट नोटेड अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि मानसरोवर लेक पर सर्फेस टू एयर, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो है निर्माण हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जगह पर। यही नहीं, इसी मैप में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड अकोमोडेशन एक्टिविटी नोटेड सिंस मे 2020। मतलब क्या हुआ? मानसरोवर लेक के पास लगातार चीन जो है वो निर्माण कर रहा है। अब आप में सवाल पूछेंगे, भाई इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मानसरोवर लेक कहां मौजूद है, वहां पर हमारा तीर्थ स्थल मौजूद है कैलाश और मानसरोवर का। जी हां, हमारी आस्था के प्रतीक हैं इन जगहों पर। यहां पर चीन जो है वो निर्माण कर रहा है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए एक पूरा एक कंस्ट्रक्शन साइट का वो निर्माण कर रहा है। आज मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, ब्रह्मचैलानी इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, कूटनीति के जानकार हैं। ब्रह्मचैलानी अपने इस बयान में ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चीनियों ने तिब्बत के धर्म स्थलों को बर्बाद किया था, उन्हें तहस नहस किया था, ये जो कंस्ट्रक्शन है उसी की शुरुआत है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरा धर्म, मेरे शिव इतने कमजोर नहीं हैं कि अगर चीन मानसरोवर लेक पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कंस्ट्रक्शन साइट वहां पर बनाए, उससे मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा। नहीं, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है। मगर मैं आपसे आज कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं, प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त में जहां मोरों के साथ विचरण कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चीन लगातार हम पर शिकंजा कस रहा है, और बात वहां नहीं है, कल्पना कीजिए इसी तरह से मानसरोवर लेक में कांग्रेस के कार्यकाल में चीन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स का निर्माण करना शुरू कर देता, कल्पना कीजिए। और कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उस पर कितना बड़ा बवाल करती, वो कहती कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। क्योंकि ये जो इनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना, इनके लिए तो छोटी छोटी बात पर हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। मेरा धर्म बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है, ऐसी छोटी मोटी चीजों से हिंदू धर्म खतरे में नहीं आने वाला है। हजारों लाखों साल से, हजारों साल से हिंदू धर्म जो है वो चला आ रहा है और इन बातों से वो खतरे में नहीं आया है। मगर इनके लिए पिछले 6 सालों में हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। मगर मैं आपको क्या बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको इसमें जो दोहरे मापदंड हैं वो बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। इस मुद्दे पर ना मीडिया हल्ला करने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका मतलब इस बात को लेकर नहीं है कि चीन ने हमारे 20 सैनिक मार दिए। चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है।
इनका मतलब इस बात से नहीं है, इनका मतलब सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने से है, अपने सियासी प्रोपेगेंडा को बढ़ाए रखने को लेकर है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री कल जिस तरह से मोरों के साथ विचरण कर रहे थे, मैं वाकई इसका स्वागत करता हूं। बहुत अद्भुत नजारा था, बहुत खूबसूरत नजारा था। मगर प्रधानमंत्री आपको गौर करना पड़ेगा, आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीरियस जनरल बिपिन रावत हैज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट अ मिलिट्री ऑप्शन टू डील विद ट्रांसग्रेशंस बाय द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी इन लद्दाख इज ऑन द टेबल बट विल बी एक्सरसाइज्ड ओनली इफ टॉक्स बिटवीन द टू आर्मीज एंड द डिप्लोमैटिक ऑप्शन ऑफ अनफ्रूटफुल। दो बातें इसमें, पहली बात, अगर बातचीत फेल हो गई तो चीन के साथ हम सैनिक टकराव भी कर सकते हैं, और चीन हमारी जमीन पर बना रहा तो सैनिक टकराव होगा। इसका मतलब यहां पर दो चीजें हैं। पहली बात, जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को पहली नहीं बल्कि दूसरी बार गलत साबित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन ने ना हमारी जमीन में प्रवेश किया है ना कब्जा किया है। तो जनरल बिपिन रावत क्या कह रहे हैं, आप बिन बात के किसी के साथ जंग लड़ेंगे क्या, बताइए। दूसरी बात, इन लोगों ने 2013 से ही लगातार देश को लाल आंख का धतूरा चटाया था, अब वो लाल आंख कहां गई मैं जानना चाहता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं, एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, एक ऐसे वक्त जब पिछले 4 या 5 महीनों में 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं, युद्ध किसी भी सूरत में विकल्प नहीं हो सकता। नहीं, चीन के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि ये जो लोग हमें लगातार लाल आंख बता बताकर सत्ता में हासिल हुए काबिज हुए थे, उसके बाद रणनीतिक मुद्दों पर, सामरिक मुद्दों पर, सैनिक मुद्दों पर ये लोग लगातार, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार विरोधाभासी बयान देती है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि यहां तो मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल जो हैं, वो मानसरोवर लेक के पास ही हैं, और बावजूद इसके वहां पर चीन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है और इस पर किसी का खून नहीं खौलता। जी हां, इस पर किसी का खून नहीं खौलता। इनका खून कहां खौलता है वो बताता हूं मैं आपको। इनका खून तभी खौलता है, या ये लोग तभी बोलते हैं, जब इन्हें दिखता है कि कुछ लोगों को निशाना बनाकर हम वोट हासिल कर सकें। यहां पर इनका मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि यहां पर पोल खुल जाएगी, यहां पर हकीकत सामने उभर कर आ जाएगी। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है, अब भी वो हमारे धार्मिक स्थल को धमकी देने वाले काम कर रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि मैं उन पत्रकारों में से हूं जो लगातार मई के महीने से कह रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आज मैं एक चीज का ऐलान करना चाहता हूं दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि finger 4, finger 5, finger 6 और finger 7 भारतीय जमीन का हिस्सा नहीं है, तो मैं ये कहना बंद कर दूंगा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि finger 8 तक LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मगर आज भी चीन finger 5 पर बना हुआ है, घोघरा में बना हुआ है, पैंगोंग सो के कुछ अहम स्थानों पर, कुछ अहम ऊंचाइयों पर उसका कब्जा है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। अगर यह स्पष्ट कर दे सरकार, या यह पार्टी स्पष्ट कर दे कि finger 5 हमारा नहीं है, finger 6 भी हमारा नहीं है, तो मैं न सिर्फ यह कहना बंद कर दूंगा बल्कि मैं इस पर माफी मांगने को भी तैयार हूं। मगर आप जानते हैं मैं अकेला यह नहीं कह रहा हूं, कई अहम लोग, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं, ब्रह्मचलानी के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग जो आपकी स्क्रीन पर हैं, कर्नल अजय शुक्ला डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मर आर्मी पर्सनल, ये तमाम लोग आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। मुख्य धारा का मीडिया चैनल भी दबे स्वर में यह बात कह के निकल जाता है, बेशक वो TV पर ना दिखाता हो मगर वो अपने वेबसाइट्स में चुपचाप एक आर्टिकल लिख देगा कि चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है, सैटेलाइट मैप्स के जरिए बतला देगा। तो मैंने आपसे कहा ना, अगर ये बात स्पष्ट हो जाए कि ये तमाम हिस्से जिसका जिक्र मैंने कहा आपसे,
फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, ये तमाम चीजें भारत का हिस्सा नहीं है तो मैं भी ये कहना बंद कर दूंगा। और अब दूसरे मुद्दे का रुख करते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरों के साथ विचरण कर रहे थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, मगर NEET और JEE की परीक्षा को लेकर कई विद्यार्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि आप देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और आप जानते हैं कि आपकी लोकप्रियता युवाओं में कितनी ज्यादा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप 6 से 7 घंटे का वक्त मोरों के साथ कैमरे पर शूट कर सकते थे, तो क्या आप एक सीधा से एक छोटा सा ट्वीट नहीं कर सकते NEET और JEE के छात्रों को? आपका जो भी मन हो, आप जो भी ट्वीट करें, आप उन्हें सांत्वना उनकी बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, आप उनसे कहिए कि नहीं, एग्जाम देना है और क्यों एग्जाम देना है उसकी भी आप अपनी वजह बताएं, या कम से कम उन विद्यार्थियों के लिए आप एक मन की बात तो कर दीजिए। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्या तक कर ली इस मुद्दे को लेकर। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि युवा आपकी ताकत है, युवा इस देश का भविष्य है। एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप एग्जाम सेंटर्स में जाएं और एग्जाम्स दें। आपको बेशक कोरोना बीमारी ना हो, मगर आप एसिम्प्टोमैटिक करियर्स बन जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे और आपसे आपके नाना नानी, दादा दादी, आपके माता पिता को कोरोना हो जाएगा। मगर सरकार ये तमाम चीजें नहीं सुनना चाहती। प्रधानमंत्री, जब आप मोरों के साथ इतना वक्त बिता सकते थे तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन युवाओं को कम से कम एक ट्वीट तो आप जरूर करें। और बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको यह भी बताया था कि पिछले 3-4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री, इस मुद्दे पर मैं उम्मीद करूंगा कि मोर के साथ साथ उन युवकों को भी आप संबोधित करें जो बदहाल है, जो रो रहा है, जिसके कंधे पर उसकी बीवी और छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करूंगा आप इस मुद्दे को संबोधित करेंगे। और एक और मुद्दा, क्योंकि कोरोना को लेकर तो इस सरकार से कोई सवाल पूछता नहीं है, मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो सवाल पूछते हैं। आपके स्क्रीन्स पर कोरोना के आंकड़े 30 लाख को पार करने वाले हैं और सिर्फ पिछले 16 दिनों में 10 लाख कोरोना केसेस बढ़ गए हैं। ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि कोरोना को लेकर हमारी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लचर प्लानिंग है और हम इससे मुंह मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, जब आप इस तरह से मोरों के साथ विचरण कर रहे थे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लेकर भी बीजेपी सरकार के पास एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि वो प्लान ऑफ एक्शन किसी भी सूरत में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। दुख की बात यह है कि जिन माता पिता के बच्चों का भविष्य अधर में है, और अधर में क्यों है, क्योंकि देश में सांप्रदायिकता का माहौल को बढ़ावा मिल रहा है, देश के युवा के पास नौकरी नहीं है, मगर उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, मेरे जैसे माँ बाप उसके, वो लोग प्राइम टाइम में सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर भड़काऊ फूहड़ और वाहियात डिबेट्स देख रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, उनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं है। वो इस कदर अंधभक्त हो गए हैं, इस कदर उनका ब्रेन वॉश हो गया है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके बुनियादी मुद्दे क्या हैं, जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, उस पर आपका फोकस बिल्कुल नहीं है। आप पूरी तरह से उससे जुदा हो गए हैं। आज न्यूज चक्र के जरिए मैं सिर्फ आपको ये बतलाने आया हूं कि अपनी प्रायोरिटीज को समझिए, अपनी प्राथमिकताओं को समझिए। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये बात आपसे सिर्फ एक पत्रकार नहीं कह रहा है, ये बात आपसे एक पिता भी कह रहा है। क्योंकि मैंने कुछ किया ना किया हो, मगर एक काम जरूर किया है कि अपने बच्चों को जहरीले प्रोपेगेंडा से दूर रखने का काम किया है। मैंने उस चीज को लेकर उन्हें बढ़ावा दिया है कि वो अपनी स्वतंत्र राय जो है वो बना सके मुद्दों पर। मुझे इस बात पर गर्व है कि जो शिक्षा मुझे अपने मां बाप से मिली थी, वही शिक्षा मैं आने वाले पीढ़ी की तरफ अपने बच्चों को बढ़ा रहा हूं। मगर क्या आप कर रहे हैं? नमस्कार।